डेले बार गेंद अगर लाइन पे गिरती है तो 6 रन दिए जाते हैं, देखना है। यस, बाहर चली गई थी बाउंड्री के, 6 रन से उछलता हुआ स्कोर 48 पे पहुंचा है। स्टैंड एंड डिलीवर शॉट खेला बैट्समैन योगेश ने। टॉस जीत के फील्डिंग करने का जो फैसला था वो सही नहीं साबित होता हुआ जुल्कर लोनबाल और बबलू भूरे ने ऑल द बेस्ट कहा है। इस वक्त भूरे स्पोर्ट्स को आखिरी ओवर की 5 गेंदें बची है। ऑनफील्ड अंपायर अजीम अब्दुल्ले और सचिन जादव हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं रजा। सामना करेंगे बैट्समैन योगेश। शहजाद डोन डैशिंग और हैंडसम पर्सनालिटी, 3 स्टार के स्टार हमसे जुड़ चुके हैं। इस मरतबा ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, छोटी बैकलिफ से बॉलर बैक ट्रैप, अपिच स्ट्रोक जरूर था लेकिन फिर से 2 रन चुरा लिए बल्लेबाजों ने। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज कर रहे हैं हिवाली के बल्लेबाज और कुल स्कोर 50 पे पहुंचा है। 50 कमिंग अप। जैद पटेल ने भूरे स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है लेकिन ऑल इज वेल नहीं। रजा मुड़ते हुए छोटे रन अप से, अच्छी गेंद, लिविंग एज लगा है लेकिन गेंद नो मैन्स लैंड में गई है। लंबे लंबे कदम से अब जाके गेंद को पकड़ा है लेकिन नहीं रोक पाए बैट्समैन को 3 रन बनाने से। देखिए रजा थोड़े बदकिस्मत साबित हो रहे हैं, हालांकि एक शॉट उनके खिलाफ अच्छा आया है लेकिन पिछले 2 शॉट जरूर हवा में रहे। मास खूटे ने पूरे स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। राइट आर्म राउंड विकेट, इस बार दबा गेंद को मोड़ दिया है लॉन्ग लेग की तरफ, 1 रन बनता हुआ, फील्डिंग वहां पर लाजवाब होती भी। स्कोर 54 रनों पे पहुंचा है। अगला मुकाबला पीजी स्पोर्ट मापोली और ढोंडा उड़ोली स्पोर्ट्स बी, दोनों कैप्टन टॉस के लिए अभी तक आए नहीं है। अगर नहीं आए मापोली के आए डोंडा वड़ोली बी के कैप्टन अथवा पेनल्टी निकल के मारा है गेंद को लॉन्ग ऑन पे, कैरी नहीं हुई वहां पर गेंद और आउट हो गए 2 रन पे। तो कुल मिलाकर रन
तो मोटा फटका मारने का प्रयत्न केला पहिला गडी बाद करतोय तो योगेश धाव संख्या झाले ते 1-4 पहिल्या चेंडूवर खणखणी चौकार मारला होता परंतु दुसऱ्या चेंडूवर कमबॅक करताना दिसतो योगेश आणि आता फलंदाजी करताना दिसतोय तो तैफूर एक नामवंत असा खेळाडू सुंदर चेंडू जमिनीला गुदगुल्या करत जाणारा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातो 4 धावांसाठी चौकार अतिशय सुंदर फटका होता तैफुरांच्या बॅट मधून निघालेला 4 धावांसाठी चौकार देखिए टेलिव्हिजन सेट पे हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है यूट्यूब पे अब ओके हो गई है यस फिर से वापस चली गई है अभी ओके हुई ना तर 1 धाव पूर्ण धाव संख्या झाले ती म्हणजे 9 पुन्हा एकदा योगेश चांगला चेंडू खेळून करतो स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका 1 धाव मिळणार आणि 1 धावाने संघाची धाव संख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करते ती म्हणजे 1-10 योगेश पुन्हा एकदा चांगला चेंडू खेळून काढतोय 1 धाव पुन्हा एकदा 1 धाव समाधान मानावं लागतंय तैफुऱ्याला धाव संख्येत वाढ झाली धाव संख्या येते 11 एका षटकाच्या समाप्तीनंतर भोरे स्पोर्ट मापोली संघाची धाव संख्या येते 1-11 बघूया गोलंदाजी कर्णधार कोणाच्या हाती चेंडू सोपवतोय उमेश सामना करेल तो तैफूर धाव संख्या येते 1-11 एका षटकाच्या समाप्तीनंतर भोरे स्पोर्ट मापोली संघाची धाव संख्या आहे 1-11 चालू असणार सामना हिवाली वर्सेस भोरे स्पोर्ट मापोली या दोन संघामध्ये उमेश पॉइंटच्या ढकलून दिलेला आहे तो तैफुराने आणि 4 धावा ह्या चौकाराने धावा वाढतायत चांगला धावाना आकार मिळतोय तो भोरे स्पोर्ट मापोली संघाचा धाव संख्या झालेली आहे ती म्हणजे 15 धोनी बलाढ्य असे संघ भोरे स्पोर्ट मापोली आणि दिनास्पोर्ट हिवाळी एकाच परिसरातील दोन्ही संघ एका मक्का समोर झुंजताना दिसतायत पुन्हा एकदा उमेश आणि जोरदार अपील आणि 55 बोट हवेत दुसरा आदरा मिळतो तैफुरांच्या रूपाने भोरे स्पोर्ट मापोली संघाला धाव संख्या झाली 2-15 मोठा असर होता तो दूर करण्याचा प्रयत्न केला तैफुराला पायचीत पकडलेला आहे आणि दुसरा आदरा मिळतोय तो भोरे स्पोर्ट मापोली संघाला धाव संख्या झाली 2-15 नवीन फलंदाज तौफिक आणि गोलंदाज आहे तो उमेश धाव संख्या 15-15 दुसरा षटक चालू उमेश तौफिक साठी चंडू पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतो निर्धाव जातोय धाव संख्या स्थिर आहे धाव संख्या येते 15 चांगली गोलंदाजी करताना दिसतोय उमेश सुद्धा उमेश आता मात्र चंडू उजव्या सिटीच्या बाहेर जातो पंच इशारा करतात चंडू वाईट पंचांच्या हात समांतर धाव मिळते अवांतर धाव संख्येत वाढ झालेली धाव संख्या झाली 2-16
पुन्हा एकदा उमेश, पुन्हा एकदा चेंडू डाव्या हस्तीच्या बाहेर जातो, पंच पुन्हा एकदा इशारा करतात व्हाईट, धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या 17. धावसंख्या झाली 17, 2-17 उमेश. आणि त्रिफळाची होतोय तिसरा आदर मिळतो तो भुरे स्फोट मापोळी संघाचा, धावसंख्या झाली 17, 3-17. धावसंख्या 17, 3-17. नवीन फलंदाज येतोय अबुजर आणि गोलंदाज येतो उमेश. पूर्णपणे बांधून ठेवले ते भोरे स्फोट मापोली संघाला, दिनास्फोट हिवाळी संघाने. कुठल्याही प्रकारचे मोठे फटके मारण्याची संधी देत नाही तो, विशेष करून उमेश. उमेश धावसंख्या 17, पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, पुन्हा एकदा चेंडू पडल्यानंतर थोडा खाली राहतोय, निर्धाव चेंडू जातोय, धावसंख्या स्थिर आहे, धावसंख्या 17. चांगली गोलंदाजी करतोय उमेश. उमेश यांचा पुढचा चेंडू, बॅटची कडा घेऊन गेलेला चेंडू, यष्टरक्षक योगेश भोयऱ्याला पकडता आले नाही आणि एक झेल सुटतोय, एक जीवदान म्हणायला हरकत नाही. त्याचबरोबर षटक सुद्धा संपतोय, 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर भोरे स्फोट मापोली संघाची धावसंख्या आहे 17. हमारे बीच में इस वक्त नवीद मुल्ला जी आ चुके हैं. वेलकम सर, आपका इस्तकबाल है मापोली ट्रॉफी 2020 में. वेलकम नवीद मुल्ला जी. यहाँ पुढील माझे सहकारी समालोचक मजर खान. बहुत बहुत शुक्रिया रवि मांजरेकर जी. तो पहले 2 ओवर में यहाँ पर भोरे स्पोर्ट्स ने कुल रन बनाए 17 रन बने, जबकि 3 विकेट गिरी है. धोंडा वडवले शुभेच्छा आहेत जयेश दलवी, धोंडा वडवले यांच्याकडून महापौर ट्रॉफीला शुभेच्छा, धन्यवाद जयेश दलवी. इस बार देखना है, अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पर इस गेंद के ऊपर, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है. और अब फजल की पारी भी समाप्त होती हुई, एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त, ये लगने वाला चौथा झटका भूरे स्पोर्ट्स को. इस बार लोअर फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए. बहुत बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त अबुजर के बल्ले से. लोअर फुल टॉस गेंद थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया है वहां पर अबुजर ने, तेजी से स्कोर दौड़ता हुआ 23. इस बार अच्छा कमबैक वहां पर, बॉलर बैक ड्राइव खेला है, आउट हो गए वहां पर. तो यहां पर अरहम की पारी समाप्त होती हुई, 0 का चश्मा पहनकर वापस लौटे, ना कोई गेंद खेली ना कोई रन बनाया. अब ये देखना होगा कि भूरे स्पोर्ट्स की तरफ से बबलू कब आते बल्लेबाजी के लिए. हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है वैसे तो वो.
एक वे डीजे से करता धरता डीजे किशोर मांजरेकर यांच्याकडून ह्या स्पर्धेला हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद किशोर मांजरेकर. एक बार फिर से और ये भी चलेंगे ठीक उसी दिशा में 6 रनों के लिए. बढ़िया बल्लेबाजी आपके द्वारा. भले पता नहीं देंगी या नहीं देंगी लेकिन यहाँ पर सिक्सर दे रहे अबूजर. अच्छी बल्लेबाजी करते हुए तेजी स्कोर को दौड़ा दिया है 29 रनों पर. उनतीस रन पर स्कोर इस वक्त पहुंच गया. अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अबूजर. जो टारगेट है वो 60 रनों का टारगेट है भूरे स्पोर्ट्स के सामने. इस बार शॉर्ट गेंद थी उसे हुक के अंदाज में खेल दिया है. कारपेट द्वारा गेंद जाती हुई डीप से खिलाड़ी आते उसी बीच एक रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर. तो इस एक रन की मदद से स्कोर 30 रनों पर पहुंच चुका है. अभी भी और 30 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. इस बार सामना करेंगे नवाज. आगे निकलकर इस गेंद को खेला था वहां पर डबल स्टेप पर जाकर खेलना चाहते थे. डॉट होती हुई ये गेंद. 3 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो इस वक्त 30 रन बने. अब यहां से जो 6 गेंदे बची है 6 गेंदों में रन चाहिए 30. इस बार अच्छी गेंद थी वहां पर क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेला इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने. डीप से खिलाड़ी आ रहे थे उसी बीच देखना है दूसरे के लिए पलट चुकी है और वो भी पूरा करते हुए वहां पर. पांच गेंदे और रन चाहिए अब यहां से 28 रन चाहिए. एक शॉट का इशारा आया है. इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक. लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आते उसी बीच देखना है वहां पर 2 रन पूरे कर लिए इस बार. इस वक्त मेरे बहुत ही करीबी दोस्त रमेश कुदई आ चुके. वेलकम रमेश. और उनके साथ में इमरान नूरले जी आ चुके. वेलकम आपका इस्तकबाल है. मैं उनसे गुजारिश करूं आपको वीआईपी डाइस पे आना है. रमेश कुदई और इमरान भाई इस बार देखना है. और पिच गेंद थी और इसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में 6 रनों के लिए. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम यहां देख रहे हैं अबूजर की. लेकिन रन जो चाहिए रवि सर अभी भी बहुत रन चाहिए. इस बार क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर. अच्छी गेंद वहां पर गेंदबाज ग्रीस द्वारा.
इस बार फ्लैट देने की कोशिश की थी वहां पर, लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर शकील कोटी द्वारा। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन दीना स्पोर्ट हिवाली एंड हार्ड लक बुरे स्पोर्ट। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उस खिलाड़ी का नाम है जिन्होंने 27 रनों की बहुत खूबसूरत बारी खेली, वो है योगेश। योगेश आपको आ गया ना, हमारे काबिल दोस्त रमेश कुदई हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। योगेश भुईर जिन्होंने 27 रन बनाए। रमेश कुदई जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। ये योगेश, हम आपको मैन ऑफ द मैच की खूबसूरत ट्रॉफी देने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत मेंबर मोहतरमा अख्तरी आसिफ ठानवाल स्पॉन्सर। आइए रमेश कुदई इमरान और रमेश कुदई के हाथों से वो ट्रॉफी हम देने जा रहे हैं, दोनों के हाथों से देना है। वेल डन योगेश, ऑल द बेस्ट। लेकिन हिवाली की टीम आपको कहीं जाना नहीं है विदाउट इंफॉर्मेशन। हैट्रिक चौकों की थी वो भी गिरीश ने की थी। गिरीश आपको हम रिस्ट वॉच दे रहे हैं, भीष्मा कम्युनिकेशन मेराज पटेल की देन। भीष्मा कम्युनिकेशन मेराज पटेल, गिरीश ऊपर आना है, चौकों की हैट्रिक। आइए ये घड़ी हम आपको दे रहे हैं, फिर से रमेश कुदई आपके हाथों से देना है। चौकों की हैट्रिक की थी गिरीश के लिए, जोरदार तालियां। हालांकि सिक्सर के हैट्रिक के लिए भी ये घड़ी है और विकटों के हैट्रिक के लिए, लेकिन सिक्सर के हैट्रिक के लिए इरफान भुरे साहब की तरफ से 1000 रुपए हैं और विकटों के हैट्रिक के लिए 1000 रुपए हैं।